नाजरीन, इस वीडियो में हम इमरान खान के सियासी कैरियर, क्रिकेट कैरियर और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। इमरान खान एक पाकिस्तानी सियासतदान, साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वो 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुए। इमरान खान ने इब्तदाई तलीम लाहौर की इचिसन कॉलेज से की और आला तलीम इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल, वर्सिस्टर और केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। इमरान खान ने BBC और ESPN समेत मुख्तलिफ नेटवर्क के लिए स्पोर्ट्स कमेंट्री के तौर पर भी काम किया है। खान ने 1970 की दहाई के वस्त से लेकर 1952 की दहाई के वस्त तक तकरीबन 2 दहाइयों तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। इन्हें पाकिस्तान के अजीम तरीन क्रिकेटर में से एक समझा जाता है और इन्होंने 1952 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तानी की और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद खान ने सियासत में कदम रखा। इमरान खान का सियासी कैरियर काफी लंबा है। इन्होंने पहली बार 1990 की दहाई में सियासत की शुरुआत की, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने में नाकाम रहे। 1996 में अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी। अपने मुल्क की आजादी और खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद शुरू कर दी और करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू की। 2002 के आम इंतखाबात में इनकी पार्टी ने असम्बली में सिर्फ 1 नशिस्त जीती। अहम 2013 के इंतखाबात में इनकी पार्टी ने 35 नशिस्तें हासिल की, जिससे वो असम्बली में तीसरी बड़ी जमात बन गई। 2018 के इंतखाबात में इनकी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। खान अगस्त 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इस साल के शुरू में होने वाले आम इंतखाबात में इनकी पार्टी की कामयाबी के बाद इनकी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने, बदनुमानी से लड़ने और खित्ते में अमन व इस्तेकाम को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज की थी और एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी तश्कील दी। इमरान खान खित्ते में खास तौर पर भारत और अफगानिस्तान के साथ अमन व इस्तेकाम को फरोग देने में सरगर्म अमल रहे हैं। इन्होंने तनाजात के हल के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है और अफगानिस्तान में जंग के खात्मे पर जोर दिया। इमरान खान अपनी दौरे हुकूमत में बड़े बड़े प्रोग्रामों को लॉन्च किया जो काबिले तारीफ है। इमरान खान की हुकूमत सिर्फ 4 साल ही रह सकी क्योंकि इनकी हुकूमत को मुखालफ पार्टियों ने तरीके अदम अतमाद के जरिए से हटा दिया था। तरीके अदम अतमाद के जरिए हटाने की वजह ये थी कि मुखालफ पार्टियों को इनकी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों से इख्तलाफ था। असल में बात बिल्कुल इसके बरक्स थी। इमरान खान मुल्क में करप्शन का खात्मा, पूरे मुल्क में एक कानून चाहते थे और जिन्होंने मुल्क लूटा इनके खिलाफ थे और इन सबको कानून के कटहरे में लाना चाहते थे, जो वो बखूबी कर रहे थे। मुखालफ पार्टियों में अक्सरियत करप्ट थे, जिन पर काफी बड़े केसेस मौजूद थे। इनका ये मानना था कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो हम सब जेल में होंगे। खैर, ये तो इनके दौरे हुकूमत और इसके ख़त्म होने की बुनियादी वजह थी। इमरान खान के फलाही कामों के हवाले से बात करें तो इमरान खान को अपने फलाही कामों के लिए भी जाना जाता है। 1951 में इन्होंने लाहौर में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हस्पताल और रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी। इसके बाद इन हस्पतालों की शाखों को पूरे मुल्क में फैलाने की जदोजहद शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। अस्पताल कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करता है जो इसकी इस्तेआत नहीं रखते। इमरान खान की जाती जिंदगी के हवाले से बात करें तो इमरान खान 3 शादियां कर चुके हैं। इनकी पहली 2 शादियां तलाक पर खत्म हुई। 1995 में इन्होंने एक बरतानी सोशलिस्ट जमाइमा गोर्ड स्मिथ से शादी की, उसमें से इनके 2 बेटे हैं और ठीक 9 साल बाद 2004 में तलाक ले ली। इसके बाद 2015 के शुरू में पाकिस्तानी और ब्रिटिश जर्नलिस्ट रेहम खान से शादी की और ठीक 9 माह बाद दोनों ने तलाक ले ली। 2018 में खान ने अपनी तीसरी शादी बुशरा मनिका से की, जो अभी तक कायम है। इमरान खान तालीम के मजबूत हामी है और इन्होंने अपनी फाउंडेशन इमरान खान फाउंडेशन के जरिए पाकिस्तान में कई स्कूल कॉलेज कायम किए हैं। वो बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के चांसलर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो नाजरीन, आपको इस वीडियो में इमरान खान के बारे में जानकर कैसा लगा, कॉमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।